हेलो दोस्तों, मैं राकेश राव, सभी का स्वागत करता हूँ फिर से मेरे कणों पे। दोस्तों, अगर आप एक कैटेगरी टीलर हो और अगर आपके साथ भी इस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, जब आप अपना एयरटेल का नया सिम कार्ड चालू कर रहे हो ग्राहक के लिए, या यहाँ पर कर रहे हो आप MNP पोर्ट और यहाँ पर आपका सिम कार्ड तो चालू हो जा रहा है यहाँ पर सक्सेसफुल, यहाँ पर आपने जो FR किया है वो FR भी यहाँ पर आपको सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कस्टमर के नंबर पे रिचार्ज यहाँ पर नहीं मिला है और आपको यहाँ पर जो OTF कमीशन मिलना था वो भी आपको नहीं मिला है। तो ये एरर मैसेज अगर इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है और ये प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाओगे वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहना और अगर तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले आपको अपना एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होने के बाद आपको करना क्या है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने फाइनली अपना एयरटेल का मित्रा ऐप एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आप एक्टिवेशन करोगे, यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आपका जो एक्टिवेशन का रिचार्ज है वो यहाँ पर आपका सक्सेस हुआ है या फिर नहीं सक्सेस हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि टेक्निकल एरर वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो है रिचार्ज यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चेक करना कैसे है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको आना है माई ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर, इस जगह पर आपको टैप करना है और इस जगह पर टैप करने के बाद इसे राइट से लेफ्ट की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पर आपने जो भी रिसेंट ट्रांजेक्शन किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको इस जगह पे आकर चेक करना है कि आपने जो रिचार्ज किया है वो डेट का यहाँ पर आपका सक्सेस दिखा रहा है या फिर नहीं सक्सेस दिखा रहा है। अगर इस जगह पे आपका सक्सेस दिखा रहा है, अगर आपका ये इस जगह पे सक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो भी आपको और भी ऑप्शन जगह से चेक करना है कि यहाँ पर आपका उस जगह पे सक्सेस है या फिर नहीं सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्टिवेशन करते वक्त यहाँ पर सक्सेस तो आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है रिचार्ज नहीं होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो है इसे ऊपर के स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस जगह पे भी आके चेक करना है, माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और इसे राइट से लेफ्ट की और आपको जो है उंगली रख के इसे स्लाइड करना है और इसे स्लाइड करते हुए आपको इस जगह पे आ जाना है एक्टिवेशन सेक्शन पे। यहाँ पर आपका जो है एक्टिवेशन प्रीपेड सेक्शन जो होता है इस जगह पर आपको आना है और आप जो डेट को यहाँ पर एक्टिवेशन की हो वो डेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने डेट को सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो है ग्राहक का LT3 यहाँ पर शो कर रहा है सक्सेस और यहाँ पर ग्राहक का नंबर पे कोई भी रिचार्ज नहीं शो कर रहा है और यहाँ पर आपका जो है रिचार्ज सक्सेस हो गया है, आपको ये लग रहा है। तो उसके लिए आपको इस जगह पे आपको चेक करना है, इस जगह पे चेक स्टेटस सर्विस के ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस जगह पे चेक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो है ग्राहक सारा सर्विस को यूज कर रहा है, रिचार्ज भी फर्स्ट रिचार्ज सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर आपका ये शो कर रहा है, तब भी आपको ये कंफर्म नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आपका रिचार्ज सक्सेस है। उसके लिए आपको और भी जगह से चेक करना है कंफर्म करने के लिए, तो उसके लिए आपको इस जगह पर चेक करना है। ये नया फीचर ऐड किया गया है यहाँ पर आपका टोटल OTF रिसिप्ट का ऑप्शन। अगर आपका जो है FR कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आपका OTF कमीशन दिखा रहा है, तो समझिए कि यहाँ पर आपका FR जो है सक्सेस हो चुका है। अगर यहाँ पर जो है आपका ये इस तरह का एरर मैसेज यहाँ पर आपको आ रहा है, यहाँ पर एरर लिख रहा है और नॉट डेटा फाउंड यहाँ पर लिख रहा है, तो समझिए कि उस नंबर पे आपने FR नहीं किया है, आपका जो है FR नहीं हुआ है। उसके लिए भी आपको ये कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए आपको और भी यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसके लिए आपको फिर से अपना जो है माई ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर आना है और आपको इस जगह पर आ जाना है FR बुकिंग सेक्शन पर। अगर आपने FR बुकिंग के थ्रू यहाँ पर जो है FR किया है, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने FR बुकिंग के थ्रू यहाँ पर FR था 299 का और ये FR मेरे को यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़े देर बाद ही ये FR जो है रिजेक्ट हो गया यहाँ पर मेरा, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर FR 299 यहाँ पर लिख रहा है FR 299 FR बुकिंग रिटर्न, यानी कि यहाँ पर आपका जो है FR जो आपने किया था वो FR सक्सेस हुआ, लेकिन थोड़े देर बाद यहाँ पर जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से यहाँ पर आपका FR जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ कंपनी की ओर से और यहाँ पर आपका FR बुकिंग के थ्रू जो आपने FR किया था वो FR को यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया है। तो अगर ये लिखा हुआ आपको शो कर रहा है
और वहाँ पर आपका जो है OTF भी नहीं शो कर रहा है, तो आप समझ लें यहाँ पर आपका जो है 101% यहाँ पर आपका जो है ग्राहक का नंबर पे FR रिचार्ज नहीं हुआ है। तो आप जाकर FR रिचार्ज करें और यहाँ पर FR रिचार्ज करके यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर आपको कमीशन मिलता है OTF या फिर नहीं मिलता है। अगर आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है तो 101% यहाँ पर ग्राहक के नंबर पे रिचार्ज हो जाएगा और ग्राहक अपना सर्विस को यूज कर पाएगा और आपको OTF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो को कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलता है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।